Now let us discuss classification on the basis of number of cell. Unicellular organism, multicellular organism. Uni means having single cell, multi means many cells. Example, जैसे आप amoeba, paramecium, euglena याद कर सकते हैं. और multicellular organism में plants, animals, human beings and fungi. Now let us discuss different types of cell organelles, उसका structure and function. सबसे पहले endoplasmic reticulum ER. इसका स्ट्रक्चर क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब इसका ट्यूब्स जैसा और फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ये दो टाइप का होता है, एक आर ई आर होता है, एक एस ई आर होता है. आर ई आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस ई आर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे ये क्या है, ई आर का एक सेल है जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है वो रफ है, जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है वो स्मूथ है. इसका एक फ्लो चार्ट है. जो फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है वो आर ई आर है. इसमें देख रहे हैं आप राइबोसोम्स अटैच्ड है. आउटर सरफेस अपीयर्स, उसका आउटर सरफेस रफ है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. इसका स्ट्रक्चर एस ई आर का, एस ई आर का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है. इसका आउटर सरफेस स्मूथ है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स एबसेंट है. फंक्शन क्या है? आर ई आर मेनली हेल्प इन मैन्युफैक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है आर ई आर, और ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और फैट्स का सिंथेसिस में. ये एस ई आर जो होता है रिमूव करता है हार्मफुल ड्रग्स एंड पॉइजनस फ्रॉम द सेल. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बायो मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? सॉरी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम आर ई आर एंड एस ई आर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. उसी को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. मेम्ब्रेन बायो मीन्स लिविंग. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? जो प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? आर ई आर, लिपिड का सिंथेसिस एस ई आर करता है. ये दोनों क्या है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्डिंग द सेल्स, मतलब सेल्स को बिल्ड करने में, और उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. नाउ फंक्शन ऑफ आर ई आर. आर ई आर का क्या फंक्शन है? रफ एंडोप्लाज्म का. ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. आर ई आर फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम ऑफ द एनिमल्स एक्टिविटीज. मतलब ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है. नाउ गोल्जी अपैरेटस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास.